पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना गलशहीद क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े हथियारों से लैस बदमाशों ने चूड़ी की दुकान स्वामी को बंधक बनाकर 70,000 की नकदी लूट ली और फरार हो गए। इस घटना से गलशहीद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गलशहीद पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान का बारीकी से निरीक्षण किया। इस घटना से दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार सीधी सराय गलशहीद निवासी अनीसुर रहमान पुत्र खलील रहमान की आलम बिरयानी दुकान के सामने चूड़ी बैंगल स्टोर के नाम से दुकान है। रोज की तरह शुक्रवार सुबह भी अनीस दुकान पर बैठा था, तभी दो महिलाएं दुकान पर आई और चूड़ी पसंद करके रखवा कर चली गईं। कुछ देर के बाद दोनों महिलाओं के साथ तीन युवक तमंचे लेकर दुकान में घुस आए और दुकान स्वामी पर तमंचे तान कर दुकान में रखी लगभग 70,000 की नकदी लूट ली और अनीस को बंद करके मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस डायल 100 सहित गलशहीद पुलिस मौके पर पहुंच गई और दुकान का बारीकी से निरीक्षण किया। पीड़ित दुकान स्वामी अनीस ने पुलिस को बताया कि सुबह उसकी दुकान पर दो महिलाएं चूड़ी लेने आई थीं। पीड़ित दुकान स्वामी की ओर से फरार बदमाशों और महिलाओं के खिलाफ एक तहरीर पुलिस को देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने चर्चाओं में बताया कि इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। मेरा नाम अनीसुर रहमान, मेरी थोक की चूड़ी की दुकान है नीचे, यहाँ सीधी सराय में जी। मैं बैठा था, जिसी दरमियान दो औरतें आई, एक 5:30 बजे थी, बुढ़िया थी, एक जवान यंग थी जी। तो बोली मुझे चूड़ी दिखाइए, हमें बेचने की भी चूड़ी चाहिए जी। तो मैं उन्हें दिखाने लगा, मैं अंदर से माल ला के दे रहा था, इसी दरमियान एक जो बूढ़ी औरत थी गई बाहर को, और थोड़ी देर बाद लड़ी तो उसके साथ दो आदमी थे। जैसे मैं अंदर माल उठाने गया तो पीछे से दोनों आदमी आ गए, मेरे पीछे से रिवॉल्वर लगा दिया जी। और मैं जाकर अंदर ही जाकर हाथ पैर बांधने लगे जी। जब मैंने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो, बोले सारा पैसा चाहिए हमें जी, और हम तेरे गोली मार देंगे उस चीज का। इसी दरमियान एक आदमी और आ गया जो उनका साथी था जी, और वो भी उसके पास भी रिवॉल्वर था खुला हुआ जी। उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि जो भी चाहिए चलो मैं देता हूँ। ऊपर चल के दुकान में से एक गिना ऊपर पर जाता छोटा ऊपर लाया और अपनी बीवी से कहा कि चलो जो हमें ये दे दो जी। उन्होंने शराब में से पैसे निकले, छोटा सा हैंड बैग था, हवाले कर दिया। उन्होंने बराबर रिवॉल्वर ताने रह के और बताओ देवर कहाँ, देवर चाहिए हमें। तो क्या आपको और आपकी वाइफ को बंधक बना लिया था उन्होंने? नहीं, उन्होंने बंधक बना लिया, तीन तीन रिवॉल्वर हमारे पास लिए। कितने रुपये ले गए? लगभग 60-70 रुपये करीब होंगे। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई, कप्तान साहब भी आए, सीओसीटी साहब भी आए, एसपी साहब भी आए, सब आए। तो हमने क्या बदमाश सीसीटीवी कैमरे में आ गए? हाँ, सामने से लगाया सीसी में आ गए। कप्तान साहब ने कहा हम जरूर इस पर पर्दाफाश करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक, क्या कह रहे थे आपसे? क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि तिजोरी की चाबी दो। अच्छा, हमारे हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं कभी ये दे दो, सब दे दो। हाँ भी खिंचवाए तो हमने दराज खोली, दराज में से पैसे दिए तो कहने लगे कि ये पैसे दे रही है, फिर और निकाल पूरा बैग छीन लिया मेरे हाथ में से। अच्छा। पैसे रखे थे, मैंने कहा इसमें जो कागज रखे वो दे दो। बोले चल चल ज्यादा मत बोल, गैस की किताब दे। आप पैसे देने को मना करा तो क्या कहने लगे? कहने लगे कि ना मांगे जेवर भी दे। अच्छा, बोले डिस्काउंट निकाली, कहने लगे देख ये है हमारे हाथ में, सबको खत्म कर देंगे। कहाँ बन गया था आपको? हम ही वाले कमरे बन गए सबको, तीनों को, तीन थे हमारी भतीजी थी और दो बच्चे।